दोस्तों, हमारी किडनियों का एक बहुत जरूरी फंक्शन होता है हमारे शरीर में मौजूदा मिनरल्स को मेंटेन रखना। हमारे शरीर में तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं और किडनी के बीमारी के दौरान इन मिनरल्स का लेवल ढंग से मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मिनरल ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। इन मिनरलों में से कुछ है पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन। तो दोस्तों, इसी वजह से एक किडनी के पेशेंट को एक पर्टिकुलर डाइट मेंटेन रखनी होती है। उन्हें अपनी डाइट में सिर्फ ऐसी चीजें खानी होती हैं जिनमें इन्हीं सब मिनरल्स की मात्रा काफी कम हो। हर एक किडनी पेशेंट की डाइट उसकी करंट किडनी की हालत पर निर्भर करती है, पर तब भी उसे ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि वो कोई भी ऐसी चीज ना खाए जिससे उसकी किडनियों पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता जाए। किडनी को फायदा और नुकसान करने वाली ज्यादातर चीजें आपके किचन में ही पाई जाती हैं। पर चलिए, आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे मसाले के बारे में जो किडनी की बीमारी के दौरान आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है और ये चीज आपके खाने का टेस्ट भी काफी हद तक बढ़ा देगा। हम बात कर रहे हैं सरसों की, यानी कि जिसे मस्टर्ड भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे काले दाने होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आपके खाने को एक अलग से डीप टेस्ट दे देते हैं और आपके शरीर पर बुरा असर भी नहीं डालते। सरसों को कई चीजों में तड़का लगा के डाला जाता है। सरसों दो तीन टाइप के आते हैं, जैसे कि काले रंग के और पीले रंग के, और दोनों ही फॉर्म में ये आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इसलिए सरसों को एक बहुत अच्छा मसाला बताया गया है। पर सरसों से कई सारी ऐसी जरूरी चीजें बनाई जाती हैं जो किडनी की बीमारी के दौरान आप सेवन कर सकते हैं और आपको इनसे नुकसान भी नहीं होगा। सरसों से क्या क्या बनता है ये जानने से पहले जानते हैं कि सरसों में आखिर होता क्या क्या है। सरसों में सिर्फ 25 मिलीग्राम सोडियम होता है और पोटेशियम और फॉस्फोरस तो 6 या 7 मिलीग्राम पर टीस्पून से भी कम होता है, यानी कि आप इसे अपनी किडनी की डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसीलिए तो सुखाई गई सरसों और सरसों के बीज कई सारी रेसिपी और मसालों के मिक्सचर में यूज किए जाते हैं। भारत में नहीं पर चाइना, यूरोप और अमेरिका तक में भी इस मसाले को बहुत चाव से खाया जाता है। सरसों से कई सारी चीजें बनाई जाती हैं जो पूरे दुनिया भर में यूज की जाती हैं। जैसे कि सरसों से बनाया जाता है मस्टर्ड सॉस, एक तीखा पीले रंग का सॉस होता है जो खाने में काफी टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। पर किडनी की बीमारी के दौरान आपको मस्टर्ड सॉस नहीं खाना है, क्योंकि किसी भी सॉस में सोडियम की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। साथ ही हर सॉस में प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं ताकि वो सॉस लंबे समय तक टिक सके। इसलिए मस्टर्ड भले ही आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, पर आपको मस्टर्ड सॉस का इस्तेमाल नहीं करना है। पर आप अपनी किडनी की बीमारियों में मस्टर्ड का तेल, यानी कि जिसे सरसों का तेल कहा जाता है, उसे भी यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल कुछ ऐसे तेल हैं जो किडनी की बीमारी के दौरान आपके लिए काफी फायदेमंद होते हैं। ऑलिव ऑयल तो तब भी बहुत महंगा होता है, सरसों तेल आपके बजट में आ सकता है और ये आपके खाने को बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही अच्छा टेस्ट दे सकता है और ये आपकी किडनियों पर भी बुरा असर नहीं डालेगा। इसलिए कोशिश करें कि सरसों को अपनी किडनी की बीमारी के दौरान अपने डाइट में इंक्लूड करें। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक सिंपल सा सरसों किडनी की बीमारी के दौरान आपके लिए काफी फायदेमंद और टेस्टी हो सकता है। पर इस खान पान की रोक टोक से बचने के लिए जरूरी ये है कि आप अपनी किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाएं, जिसमें आपकी मदद कर सकता है कर्मायुर्वेदा। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन दिल्ली न जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को जड़ से ठीक कर दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक और पेशेंट जुड़े हैं, ब्रिजेश कुमार। कहाँ के निवासी? पटना। पटना बिहार कैपिटल से आए हैं? हाँ। पटना में कहाँ से? कृष्णापुरी से। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी ब्रिजेश जी? उस समय मेरा शरीर पूरा था, चलने में फिरते में कमजोरी पूरा था, न उठान बठान कुछ नहीं, बैठने का मन नहीं करता था, प्रति हाथ तो पकड़ता था। अभी वो सब ठीक है और कमजोरी भी था, वो सब ठीक है। शुगर कम हो गया, बीपी कम हो गया और किडनी 22 से 11 पर आ गया। 22 से 11 पे आ गया। और साथ साथ डायलिसिस आप कितने करा रहे हैं? डायलिसिस पहले 2 कराते थे, अब 1 करा रहे हैं। 10 दिन पर भी कराया, तभी भी 1.5 kg 1 kg वजन बढ़ता है, और 10 दिन पर भी कराया तो कभी कम ही हो जाता था वजन, तभी भी 300 ग्राम 400 ग्राम पानी निकलवाते थे। अभी 8 दिन प्रयोग करा रहे हैं। 8 दिन तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं ब्रिजेश जी।
ना केवल डायलिसिस कम हुआ है जो सप्ताह में दो बार हो रहा था और सप्ताह में एक बार हो रहा है, बल्कि क्रिएटिनिन भी कम हुआ है और साथ साथ जो अन्य इनको प्रॉब्लम हो रही थी, जो वाटर रिटेंशन हो रहा था ड्यूरिंग डायलिसिस, वो भी रिड्यूस हुआ है। यानी कि ना केवल फिजिकल पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट आई है, बल्कि इनको मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स नजर आई। 22 से घट के क्रिएटिनिन जो 11 पे आ गया। लगातार ऐसे पेशेंट हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और एक नहीं सैकड़ों नहीं आज की डेट में हजारों की संख्या में इस तरह के पेशेंट है जो लाभान्वित हुए हैं, जो अनेकों प्रकार से उनको लाभ हुआ है, न केवल क्रिएटिनिन के रूप में बल्कि फिजिकल पैरामीटर्स में भी उनको लाभ हुआ है, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट भी हुई है और उसके साथ साथ ही अन्य पैरामीटर्स में भी उनको इंप्रूवमेंट नजर आई। जैसे कि ब्रिजेश जी को नजर आई, डायलिसिस दो बार से एक बार हो गया, क्रिएटिनिन 22 से लेकर 11 पे आ गया, वाटर रिटेंशन कम हो गया, यानी कि ओवरऑल सारी चीजों में जो है वो किडनी इनकी काम करने लगी, किडनी का जो GFR है वो इम्प्रूव हुआ, तभी सारे के सारे सिम्टम्स डिसअपियर होने शुरू हुए। तो ब्रिजेश कुमार जी क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को? सभी लोगों को तो मैं यही, जो भी हमसे मुलाकात होते हैं उनको बोलते हैं कि यहाँ आके दिखाने के लिए, जैसे कर्मा आयुर्वेद में जैसे हमको ठीक हो रहा है और अच्छा लगता है कि हाँ हम यहाँ ठीक हो जाएंगे, वैसे दूसरे पब्लिक को भी हम बतलाते यहाँ आए और दिखाए। क्योंकि आप देख चुके हैं, आपको पता है किस गंभीर समस्या का नाम है ये बीमारी, और उसको जीतना और उसे मात देना कितना अहम है, न केवल एक इंडिविजुअल के लिए बल्कि एक पूरे परिवार के लिए बहुत भयंकर बीमारी बन जाती है। बहुत अच्छे से इनको रिजल्ट नजर आए हैं और इन्होंने सब चीजें फॉलो करी और रिजल्ट बहुत अच्छे नजर आए। कह सकते हैं कि बीमारी जो है ना, इसको जीतना संभव है। अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपने ठान लिया कि इसको मात देनी है, तो आप दे सकते हैं इसको, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल और साइंटिफिक तरीके से इसे मात देने की, जो हम सिद्ध कर चुके हैं हजारों पेशेंट्स के माध्यम से। हजारों में इंप्रूवमेंट आ सकती है तो बाकी पेशेंट्स में भी आ सकती है और उनमें भी नजर आएगी, अगर वो सब चीजें अच्छे से लग के फॉलो करें। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान ने इस पेशेंट की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987171205, 0114264474। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।